फ्रेंड, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके साथ जो वीडियो बनाया है वो है हम कैसे अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सके, वो भी खासकर विंटर के, क्योंकि जो आपको पता है विंटर सीजन है और तो मेरा जितना भी वार्डरोब है सारा विंटर से ही भरा है। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैं स्मॉल क्लोजेट को, जो मेरा स्मॉल वार्डरोब है, इसको मैं कैसे, मैन का है ये स्पेशली, मेरे हस्बैंड का है, इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, इसमें मैंने आधी चीज ये छोड़ी थी कि इसमें मैंने जैकेट्स वगैरह नहीं, हैंगिंग करने की जगह नहीं थे, जैकेट्स वगैरह नहीं रखी हुई थी, तो वो मैंने इस वार्डरोब में हैंगिंग करके रखी हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं बात कर रही थी विंटर क्लोजेट की, या विंटर जो हमारे कपड़े होते हैं, मोस्टली ये होता है कि कोट वगैरह विंटर के सबसे ज्यादा कपड़े होते हैं और उन्हें फोल्डिंग में काफी इतनी मोटी परत हो जाती है। मोस्टली जो समर के कपड़े होते हैं उसमें परत इतनी सी होती है, तो इतने और इतने में काफी डिफरेंस होता है। तो हाँ, विंटर के एक तो कपड़े हमारे ज्यादा जगह घेरते हैं और उसको कैसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो मैं और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको कि जब भी आप अपने अलमीरा को या क्लोजेट, जो भी वार्डरोब है, जो भी आप बोलना चाहें, उसको ऑर्गेनाइज करें, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सीजन के अकॉर्डिंग ही इसको ऑर्गेनाइज करें। सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे विंटर सीजन है तो उसमें सारे विंटर के ही कपड़े रखें, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब हम विंटर सीजन है और उसमें हम समर के कपड़े भी डाल देते हैं, विंटर के कपड़े भी डाल देते, तो ऐसे में बहुत मैसी होता है, हमें कोई चीज निकालनी होती और नहीं मिलती और विंटर दोनों मिक्स हो जाता है। तो कभी भी अपना वार्डरोब समर के अकॉर्डिंग रखें, जब समर सीजन है तो समर के अकॉर्डिंग कपड़े रखें, विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग ही कपड़े रखें। और दूसरे नंबर के, जब भी मेरा, मैं कल आपको बताना भूल गई थी, ये वाला वार्डरोब को चाहिए हो, जब भी मैं इसका जो सामान होता है, जो समर के सामान होता है, वो इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर लेती हूँ। जो मतलब समर का है तो मैंने उसको या दीवान बॉक्स में रख सकते हैं आप, चाहे आप कोई बकस हो आपके पास उसमें रख सकते हैं, लगेज में रख सकते हैं, बट उसको थोड़ा अलग ही रखें। तो मैंने दोनों जो मेरे क्लोजेट्स हैं, दोनों को ही मैंने, दोनों का जो समर का सामान है उसको मैंने अलग पैक करके रखा रहता है। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो प्लीज चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा हूँ ये वार्डरोब, जैसे भी मैंने बोला था कि जो मेन वार्डरोब है वो छोटा है और लेडीज का थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें सबसे बड़ा हैंगिंग का है, तो इसमें सारे मैंने हैंगिंग के जो कपड़े होते हैं वो रखे हैं। सारा विंटर का और नीचे का वार्डरोब। तो ये है मेरा वार्डरोब। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ और इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले ऊपर के सेक्शन में आते हैं, और ऊपर के सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया हैंगिंग का है, और उस वाले क्लोजेट में मेरे हैंगिंग के लिए स्पेस नहीं था, स्पेस था बट मैं उस पर हैंगिंग नहीं करती थी। तो मैं किनारे से शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने जो ये कोट के बैग्स होते हैं, इनमें जो मैंने ऐसे विंटर के कोट्स रखे हैं जो ओकेजनली या मैं शादियों में पहनने हैं, सिर्फ वही कोट है, वो भी मेरे हस्बैंड के कोट है, ये उनके डेली वेयर जैकेट्स, ब्लेजर एंड जैकेट्स हैं, जो वो डेली मतलब उन्हें ऑफिस जाने के लिए चाहिए होता है जब विंटर ज्यादा हो जाता है या ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो ये यहाँ तक का पोर्शन उनका है। इसके बाद मैं अपना दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने सारे, पहले हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें या विंटर के जब भी कोई चीज हैंगिंग स्टार्ट करें, तो हमेशा ये स्टार्ट करें कि जो सबसे बड़ा होता है लेंथ में, लंबा ड्रेसेस होता है, जैसे कोट की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसको आप सबसे कॉर्नर में रखिए, क्योंकि फर्स्ट रखिए, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा 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 करके रखिए। तो इससे क्या होता है कि जो छोटा वाला पोर्शन होता है किनारे में, उसमें क्या होता है कि स्पेस बच जाता है, उसके नीचे आप कोई भी अपनी चीजें, अटैची वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, अपना छोटा लगेज या कोई सामान रख सकते हैं जो आपको दिख भी जाता है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कोट्स, जैकेट सारी हैंगिंग करके रखी है, जिसे मैं इजीली निकाल सकती हूँ, जैसे लाइक दिस, इसे हम इजीली निकाल सकते हैं और वैसे ही हम इसे रख सकते हैं। ये मैंने रख
ही है, इसके बाद जितना भी है सारे मैंने ब्लेजर देखी। जो मेरा सबसे ब्लैक वाला ब्लेजर है ये बहुत छोटा है, इसके बाद स्पेस है, देखिए इतना स्पेस इसमें बचा है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद मैंने यहाँ पे रखी है शॉल, ये पूरा विंटर का है जैसे मैंने बताया, ये मेरी शॉल है डेली वेयर की, डेली वेयर से सेंस डेली वेयर का इसमें कोई भी कपड़े नहीं है, ये शॉल्स मेरी डेली मार्केट जाने की या सब्जी वगैरह कोई भी घर का सामान डेली का है आउटगोइंग का वो मैंने शॉल्स रखी है, क्योंकि यहाँ पे विंटर ज्यादा आता है तो इसलिए हम लोगों शॉल वगैरह रखते हैं। इसके बाद जो मैंने रखा है नेक्स्ट, ये मेरी हैवी शॉल्स हैं, जो मतलब मुझे आउटगोइंग या आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है या हम कभी घूमने चले गए और ठंडियों की जगह है तो वहां के लिए मैंने ये शॉल वगैरह रखी है स्पेशली। इसे मैंने हैंगिंग करके रखा है तो इसे मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, मैं इजीली इसे निकाल सकती हूँ। और हाँ, ये जो है ये मल्टीपर्पज हैंगर्स हैं, ये इजीली ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे तो आप वहां से ले सकते हैं। इसमें आप एक दो जैसे 5 कोई भी जीन्स ट्राउजर्स या अपना स्कार्फ कुछ भी इसमें इजीली डाल सकते हैं और एक ही हैंगर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 ऐसे हैंगर्स रखे हैं जो कभी जरूरत पड़ जाती है इसीलिए मैंने हैंगर दे। तो ये मेरे आप कपड़े हो चुके हैं हैंगिंग वाले। इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, इसके ही नीचे मैंने एक छोटा लगेज रखा है, आप देख सकते हैं इसे। इसके नीचे मैंने एक जैसे बोला कि लगेज है, इसमें मेरा कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेरे स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसे मैंने सेफली रखा है, और प्लस बच्चों के पेपर्स हो गए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, इस टाइप की चीजें मैंने अपने इस अटेजी में रखी है, छोटी अटेजी में। इसके जस्ट बगल में मैंने एक और रखा है छोटा सा, और जस्ट इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये मेरे कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं इसमें। इसके जस्ट बगल में है ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स भी एक DIY है, ये एक ड्राईफ्रूट्स बॉक्स था तो ये बहुत ही सुंदर था इसीलिए मैंने इसे ज्वेलरी बॉक्स बना रखा है। ज्वेलरीज की हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी कहीं वेडिंग वगैरह में गए तो इसमें मैंने अलग 6 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो इसमें मैंने नेकलेस, इयररिंग्स, ये मतलब वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न जो भी आप ड्रेस पहनो उसके इयररिंग्स हैं, ये थोड़ा आप जैसे बोल सकते हैं झुमका वगैरह, ये भी ऐसे नेकलेसेस वगैरह हैं, और इसमें मेरी बाकी चीजें हो गए, क्लिप्स हो गए, रिंग्स हो गई, अदर जो चीजें रखी रहती है मांग टीका वगैरह। तो ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा बॉक्स नहीं मिलता है तो मैं आपको बताऊं कि आप दूसरे बॉक्स में भी रख सकते हैं इसे, दूसरा सेंस जैसे इस प्रकार के ये ऑफिस बस बास्केट है इसमें भी आप इसे रख सकते हैं, हम ज्वेलरी वगैरह ये भी इजीली इसके नीचे आ सकती है, आप देख सकते हैं, देखिए इजीली इसके नीचे आ सकती है। तो इस टाइप के रख सकते हैं, आप कोई भी DIY पेटी या प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये था मेरा सबसे फर्स्ट सेक्शन। तो उसके बाद आते हैं ड्रॉर्स में, इसमें 2 ड्रॉर्स हैं। तो फर्स्ट में इसमें आती हूँ, इसमें मैंने अपनी डायरीज हो गए, और ये मेरा जो क्या बोलते हैं इसे चेकबुक्स हो गई, इसमें पासबुक्स वगैरह इस टाइप का एक चेकबुक है, उसका वॉलेट है तो उसमें रखा हुआ है ये। ये भी मैंने अमेजोन से बाय करा था, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ छोटे बच्चों के स्कूल स्लिप्स हो गई, बच्चों के टीके की स्लिप्स हो गई, और सारी इसमें डॉक्यूमेंट्स, डेली डायरी हो गई, छोटी मिनी डायरीज वगैरह, ये मैंने इस सेक्शन में रखी है। दूसरे ड्रॉर्स में मैं आपको बताती हूँ, ये दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बॉक्सेस रखे हुए। पहले तो ये बैंगल बॉक्स है, ये आपको जब आप बैंगल्स वगैरह खरीदो उसमें इजीली मिल जाता है, तो इसमें मैंने कभी छुट्टे पैसे वगैरह नहीं होते हैं तो वो इजीली इसमें स्टोर करके रख सकते हैं कि कभी इमरजेंसी होती है कि हमें खुला नहीं मिलता है इसीलिए मैंने इसमें रखे हैं। सेकंड ये भी वही बॉक्सेस है, इसमें मैंने की रखी है एक्स्ट्रा की वगैरह, कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो अगर हम इधर उधर फेंके तो वो इधर उधर गिर जाती है। तो ये है इसके जस्ट बगल में आए, ये मैंने वॉलेट रखे हुए डेली मार्केट या सिंपल वॉलेट रखे हैं हैंड के, उसके जस्ट बगल में देखिए आप ये देख सकते हैं
ये बॉक्स मैं आपको दिखाऊं, ये बॉक्स ये है फोन का बॉक्स जैसे आपको दिख ही रहा है। ये काफी मजबूत है, ये काफी मजबूत है। इसमें मैंने छोटी मोटी चीजें, ये बॉक्स आपको ऑब्वियसली बात है आजकल की डेट में हर कोई स्मार्टफोन वगैरह कैसा भी फोन है वो रखता है, तो इसमें मैंने रखा हुआ है अपना एटीएम, अपने आधार कार्ड्स वगैरह और छोटी मोटी चीजें जैसे हमें इमरजेंसी में कभी फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, फोटोग्राफ्स मैंने अलग अलग ये मिलते हैं ऐसे उसमें रखी है, सबकी अलग अलग है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने फोटोग्राफ्स और आधार कार्ड वगैरह ये जो चीजें होती हैं जो हमें इमरजेंसी में चाहिए होती है और हमें नहीं मिलती हैं तो वो मैंने इस बॉक्स में रखी हैं। तो आपके पास कोई भी फोन स्मार्टफोन का बॉक्सेस होगा उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, इजीली हैंडी भी होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये मैंने इस ड्रॉअर में रखा हुआ है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ। तो ये मेरे दो जो छोटे ड्रॉअर्स हैं वो हैं, जस्ट इसके नीचे आते हैं। अब हम ये नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें मैंने सारे अपने कुर्ती स्वेटर्स वगैरह रखे हैं। तो फर्स्टली मैंने सबसे किनारे में इसमें रखा है अपनी कुर्ती, जो वुलन कुर्ती है, सूट्स वगैरह वुलन कुर्तियां मैंने इसमें रखी कि जो मुझे इजीली दिख जाए और आराम से मैं इसे निकाल सकूं लाइक दिस। आराम से मैं इसे अच्छे से रखूं। फोल्डिंग जो मेथड होता है वो आपका स्पेस बहुत कम लेता है। तो नेक्स्ट सेक्शन है ये मेरी स्वेटर्स हैं। इसमें मेरी जो नॉर्मल स्वेटर और साड़ी वेयर या सूट्स या किसी के साथ भी हम वेयर कर सकते हैं वो स्वेटर्स मैंने इसमें रखी हैं, जो आपको इजीली दिख रही होंगी कि जौन सा मुझे कलर चाहिए मैं इजीली इसे पिक कर सकती हूँ। नेक्स्ट इसके जस्ट बगल में मेरी हुड वगैरह रखी हैं। ये हुड है, ये मेरी लॉन्ग, इसमें मैंने नीचे के सेक्शन में हुड है और जो ऊपर की है ये मेरी लॉन्ग स्वेटर्स हैं। जब ज्यादा ठंडा हो जाता है तो लॉन्ग स्वेटर ही ज्यादा बेस्ट होती है, तो मेरी लॉन्ग स्वेटर। और इसके जस्ट बगल में मैंने जितना भी रखा है ये मेरे सारे टॉप वगैरह है जो वुलन टॉप है। तो अपर का जितना सेक्शन है मैंने ऊपर वाले में रखा है। इसके जस्ट मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बास्केट से, ये क्या बोलते हैं इनर वेयर है, ये मतलब मेरा थर्मल वेयर है, ये मैंने अलग से रखा है जब मुझे आउटिंग या कहीं जाना होता है घर से बाहर। ये मेरे सॉक्स हैं, जो न्यू सॉक्स हैं, जब कभी कभी ये होता है कि विंटर सीजन है तो हमें डेली ही सॉक्स हम लोग वेयर करते हैं तो कभी कभी सॉक्स नहीं मिलता या वो गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली दो सॉक्स अलग रखे हैं। कुछ अंडर गार्मेंट्स भी इसमें न्यू अलग रखे हैं। तो ये मेरा ये फर्स्ट बास्केट में ये है। उसके बाद जस्ट सेकेंड बास्केट है, उसमें ये मेरी कैप है। इसे मैंने अलग अलग डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि अगर हम ऊपर रखते हैं तो हमें नहीं मिलती है इमरजेंसी में, तो इसीलिए मैंने कैप वगैरह अलग रखी है। और कैप के साथ स्कार्फ या हम इसे बोल सकते हैं स्कार्फ के साथ साथ मफलर, तो इसमें मेरे मफलर्स होगा कैप होगी, क्योंकि अगर मफलर के साथ कैप रखना ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि हमें इजीली ध्यान रहता है कि हमें मफलर भी लेना है या हमारे पास इस कलर का मैचिंग मफलर है। तो ये मैंने बास्केट में रखा हुआ। आपके पास बास्केट नहीं है तो आप डीआईवाई भी कर सकते हैं, पेटी या कार्टन जो भी आपको इजीली मिल जाता है वो, तो उसमें भी आप इस चीज को आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में मैं आती हूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी हैं मेरे वुलन लेगीज वगैरह रखी हैं, प्लाजो, जो वुलन प्लाजो लेगीज वगैरह रखी हैं, तो इसीलिए मुझे इसे निकालने में आसानी होती है। इसके जस्ट बगल में मैं आती हूँ, मैंने ये ट्रैक सूट रखा है अपना वुलन ट्रैक सूट, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसके जस्ट बगल में मैंने ये डीआईवाई करा है, ये डीआईवाई इजीली आपको कार्टन मिलता है, उसमें मैंने जस्ट बाहर से एक पेपर लगाया है। आप इसको वैसे भी रख सकते हैं बट ये है कि मैंने इसमें पेपर लगाया है। और सबसे बेस्ट होता है कि इनमें कपड़े रखने से कपड़े कहीं भी दूसरी जगह मैच नहीं होते हैं, इसी में रहते हैं। तो ये है, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं रखा है। इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे कभी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है सूट वगैरह एक दो सूट रखे हैं और कुछ ऐसे ड्रेसेस रखे हैं जो मैं विंटर में भी पहन सकती हूँ, समर में भी पहन सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये जो कलेक्शन है इसे मैंने इस बास्केट में रखा है जो मैंने डीआईवाई करके बनाई है, और इसमें मेरी एक दो जीन्सें भी रखी हैं, तो ये मेरा बास्केट अलग है। तो ये पोर्शन तो हो गया अब हमारा। इसके जस्ट डोर्स में मैंने ये अपना डेली वेयर का हैंडबैग टांगा है और मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा है। इसमें हुक्स है
आप देख सकते हैं ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, तो ये आप इजीली ले सकते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ एक सिंपल हैंड बैग ही टांगा है और हैंड बैग्स मैंने इसमें नहीं रखे हैं, सिर्फ यही हैंड बैग्स रखा है। तो आप दूसरी चाहे दूसरे सेक्शन में भी ये यहाँ पे चिपका के अपना कुछ हैंड बैग्स वगैरह ये जो आपको नीड हो गई जिन चीजों की जरूरत थी तो आप वो इसमें हैंगिंग करके रख सकते हैं। तो ये था मेरा वार्डरोब, आई होप आपको मेरा वार्डरोब पसंद आएगा। हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस इंक्वायरी जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगी। अगर आप और ऑर्गेनाइज और चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या मैं उसके बारे में कुछ और डिटेल्स आपको दूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं और वीडियोज भी आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे हैंड बैग्स ऑर्गेनाइज करना या आप अपना दीवान बॉक्स ऑर्गेनाइज करना, ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करना, साइड टेबल्स, जो भी चीजें हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं आपको साथ जरूर अपना वीडियो शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।